पिक्चर के माध्यम से पिक्चर के निर्माताओं ने एक धर्म विशेष द्वारा अपने धर्म के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो चल रहा है, जिसमें भोली भाली लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनको अपने धर्म विस्तार के लिए ले जाया जाता है और तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, ये धरती का सबसे ज्यादा कलंकित अध्याय है। मेरा ये कहना है कि हर माँ बाप को इसको समझने के लिए अपने बच्चों के साथ इस पिक्चर को देखना चाहिए, और ख़ास तौर से उन माँ बाप को जो अपनी बच्चियों को बाहर कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उन सबको इस पिक्चर को देखना चाहिए। ये सब कई राज्यों में बैन कर दिया गया इसी फिल्म को, हालांकि हरियाणा में टैक्स फ्री किया गया। क्या नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं और इसीलिए ये पनप रहा है। हमने तो लव जिहाद पर बहुत सख्त कानून बनाया है हरियाणा में और सभी प्रदेशों को इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए ताकि हम अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र के लोगों को संभाल के रख सके। केरल के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये फिल्म जो है संघ का देश को विभाजित करने का एक साधन है। देखिए, अब इस पिक्चर को उन्होंने तथ्यों के आधार पर बताया है कि लगभग 32,000 ऐसे केसेस हैं वहाँ पर, तो वहाँ के मुख्यमंत्री फिर इस बात का स्पष्टीकरण करें कि किस प्रकार से उनके ऊपर, उनके प्रदेश की सरकारों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। ये सब कर्नाटक चुनाव में जो है कांग्रेस बहुमत से जीती है, जनता का फैसला है, जो भी आए ठीक है, इसके लिए आत्मविश्लेषण भी करेंगे।